दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 462 की धारा 462 की। दोस्तों इससे पहले हमने समझा कि आईपीसी का सेक्शन 461 क्या कहता है। 461 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दान पात्र को, किसी बंद पात्र को तोड़ता है बेईमानी की नियत से, उसे तोड़ता है, खोलता है, नुकसान पहुंचाता है या मिसचीफ करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आईपीसी के सेक्शन 461 में दंड का प्रावधान किया गया है। अब 462 क्या कहता है कि यही अपराध वह व्यक्ति करे जिसकी देख रेख में वह दान पात्र, वह बंद पात्र, वह बॉक्स रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब गौशाला की कमेटी द्वारा गांव में जो दुकानें बनी हुई हैं उन पे गौ माता की देख रेख के लिए जो दान के लिए दान पेटियां रखी गई हैं, उस दान पेटी की जो जिम्मेवारी है वो उस दुकान के मालिक को सौंप दी जाती है जिस दुकान पे वो दान पत्र रखा हुआ है, वो बॉक्स रखा हुआ है जिसमें दान डाला जाता है। अब क्या होता है कि उस दान पात्र की जो देख रेख की जिम्मेवारी है वो उस दुकान के मालिक की है जिस दुकान पे वो दान पात्र रखा गया है। अब क्या होगा कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी कि जिस दुकानदार की जिम्मेवारी है उस दान पात्र की देख रेख करने की, वह खुद बेईमानी की नीयत से बिना गौशाला की कमेटी की सहमति के उस दान पात्र को बेईमानी की नीयत से तोड़ता है, खोलता है, मिसचीफ करता है, तो यह अपराध आईपीसी के सेक्शन 462 के तहत अपराध माना जाएगा और ऐसे में दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। दोस्तों यह जो अपराध है इसमें केवल 462 ही नहीं लगेगी, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, यानी कि अगर उसने वह दान पात्र खोल के पैसे निकाले हैं, चोरी की है, तो वह भी सेक्शन लगेंगे। और ऐसा कार्य अगर किसी के दुकान में घुस के किया जाए, उसका गल्ला तोड़ के, जो कि तोड़ने की परमिशन नहीं थी, उसका गल्ला तोड़ के पैसे निकाले जाए, तो सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि उसकी दुकान में घुसने का सेक्शन अलग लगेगा और गल्ला तोड़ने का अलग लगेगा। तो यह जो ऑफेंस है यह कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और यह बेलेबल है, यानी कि इसमें जमानत मिल जाती है। ऐसे ऑफेंस का जो ट्रायल है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में सुना जाता है। दोस्तों ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।